Assalamualaikum Sam fam, welcome back to another vlog. So अब मैं एक real vlogger बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो सोते जगते खाते पीते बात करते मतलब सब कुछ vlog करेगी, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ. सो यू गाइज हैव टू जस्ट डू योर पार्ट एंड शेयर माई वीडियोज एंड जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कॉमेंट एंड एवरी थिंग गुड. एंड आज है 1st February शायद. येस, दिस इज वॉट एक्चुअली हैपन्स जब आपकी नाइट शिफ्ट हो जाती है. मतलब आपको डेज और डेट्स मिलाना नहीं आता. मेरे साथ मतलब यही होता है कि मैं रात में काम स्टार्ट करती हूँ किसी और दिन में, सुबह जब सो के उठती हूँ तो दूसरा दिन हो जाता है, तो मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ. सो आज जब मैं सोई थी सुबह, मैं घर का बहुत सारा काम निपटा के सोई थी. अभी आई गेस 5:30-6 बज रहे तब मैं उठी हूँ. और आज का कोई एजेंडा नहीं है मेरा, बट ये व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट कराया है बिकॉज 3 दिन में वी बोथ आर ट्रैवलिंग टू जयपुर एंड अभी उसकी बहुत सारी तैयारियां एंड ये सब करना बाकी है. सो इसलिए मैंने सोचा मैं इस व्लॉग में सब कुछ कवर अप करूंगी. एंड वी आर अटेंडिंग अ फैमिली फंक्शन, सो वो जो फंक्शन होगा वो आई विल ट्राई टू कवर सेपरेटली. सो हमारे पास 2 व्लॉग्स जाएंगे एंड उसके बाद हम शायद थोड़ा लोकल, अगर टाइम रहा तो लोकल जयपुर भी घूमेंगे. आई एम एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज शादी के बाद हमारा ये पहला ट्रिप होगा एक्सेप्ट फॉर ससुराल एंड मायका, क्योंकि इन दोनों में पिस के रह गए हम दोनों. कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, वहां जाओ, इसके अलावा हम लोग कहीं गए ही नहीं है. सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड बाय. तो हमारी राजधानी एक्सप्रेस सुनिधि मैडम आ रही है और उसने मैसेज किया है कि बिल्कुल प्लेट पानी सब रेडी रखो, वो लिट्टी चोखा लेकर आ रही है, बाटी चोखा, अगर आप लोगों ने सुना हो. सो आज हम लोग वो ही खाएंगे और थोड़ी देर गपशप करेंगे. और दूसरा दिन हो गया है, बल्कि शाम हो गई है. अभी मैं सो के उठी हूँ और सुबह मेरे को ये पार्सल रिसीव हुआ था, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि अंदर का माल मता सही आया है या नहीं आया है. ओके, सो मैंने ये सब जयपुर की ट्रिप के लिए ऑर्डर किया है. कुछ मेरे को गिफ्ट करना है और कुछ मेरा अपना है, तो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज इट्स फॉर गिफ्टिंग पर्पज. बट हाँ, ये एक मैक कैफीन की कॉम्बो किट है. और एक जो चीज़ मेरे को अपने लिए बहुत अच्छी लगी थी वो थी ये खोलो तो पहले, इतना ज़्यादा तो ये पैक करते हैं. वो थी ये O3 की फेशियल किट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय नाश्ता करने के लिए और जब ये सुबह लड़की आएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगी. बाय. ओके, सो अभी रात के बज रहे हैं 3 और मैं करने जा रही हूँ पैकिंग. यस, थोड़ा सा क्रेजी है बट अभी मैं जग रही हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है. सो इसलिए मैंने सोचा ये वाला काम निपटाते हैं, क्योंकि कल मेरी टू डू लिस्ट थोड़ी ज़्यादा लंबी है. सो अगर ये काम अभी निपट जाएगा तो मेरा बहुत हेल्प हो जाएगी. सो इसलिए पहले हम लोग थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नमाज पढ़ेंगे. वगैरह पढ़ के एकदम फ्री हो गई हूँ और आज मौसम इतना प्यारा है ना, मतलब इतनी चटकती धूप निकली है ना, लग ही नहीं रहा है कि ठंड है. और इसीलिए मैंने आज कुर्ता निकाला है कॉटन का, क्योंकि अब बस सुबह शाम की ठंड रह गई है और घर में तो इतना कुछ खास पता नहीं चलता. सो यार, आज सुबह से मैं सोई नहीं हूँ, सुनिधि अभी चली गई है और मैं इतनी देर से पैकिंग वगैरह का अपना काम निपटा रही थी जो कि मेरे से नहीं हो पा रहा है. सब कुछ इतना ओवरलोड हो रहा है और मैं इतना सामान लेकर ट्रैवल नहीं करना चाहती, क्योंकि हम लोग को वहाँ पर घूमना भी है थोड़ा बहुत, तो ये सारा सामान मतलब कैसे हैंडल होगा. सो अभी शाम तक ये भी आ जाएंगे तो इनका भी कुछ सामान होगा, तो वो भी हम मिलके फिर उसको रात तक की पैकिंग शैकिंग ही करते रहेंगे और सुबह फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे. सो अभी के लिए मैं सोच नहीं पा रही हूँ मैं खा के सोऊं या जग के खाऊं. सो ये मैं डिसाइड करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. यस, ओके. सो अभी रात के 10 बज रहे हैं, ही इज़ जस्ट अबाउट टू कम. मैंने खाना वाना सब प्रिपेयर करके रख दिया है और आज मैंने कोई रेसिपी नहीं दिखाई है बिकॉज जो मैंने बनाया है वो मेरे को खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या बनाया है. जो मिला बस उसमें डाल डाल के बस पनीर की एक अच्छी सी सब्ज़ी बन गई है और अभी हम लोग खाना खाएंगे. और पैकिंग पूरी बाकी है, मतलब पूरी सब पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी हमें वो भी करना है. नींद भी बहुत ज़ोर की आ रही है, काम भी है, सब कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा है. एंड जस्ट लुक एट माई फेस, मतलब आपको कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क दिख रहा है, आई थिंक कल थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अभी के लिए आई थिंक जो भी लड़की ने किया अच्छा काम किया. सो हम लोग सुबह मिलते हैं और हमें जाना है कल
सराय रोहिला स्टेशन, जहाँ से मैंने कभी भी ट्रेन बोर्ड नहीं करी है. सो हम लोगों ने अभी मेट्रो का रूट वगैरह सब चेक किया था. सो आई थिंक 1-1.5 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे. सो सुबह देखेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे. सो आपको सुबह ही मिलते हैं. बाय. ओके, सो वी आर रशिंग टू द स्टेशन. और हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जल्दी में सब सामान पैक किया है ना, अभी बहुत लेट हो रहा है. तो हम लोग पहले स्टेशन जाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं. हाय बेबी, वी आर ट्विनिंग. दिखाना शूज, दिखाना. तो गाइस, हम लोग मेट्रो पहुंच चुके हैं. अब हम लोग फटाफट से सराय रोहिला की तरफ ट्रेन बोर्ड करेंगे. एंड हम दोनों ही इतने ज़्यादा गधे हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारी चेयर कार है या स्लीपर ट्रेन है. बट जो भी है, यही है. तो हम लोग चलते हैं फटाफट से. सुबह सुबह पहली बार हमें टोकन का मशीन एकदम फ्री मिला है. हम लोग शास्त्री नगर की जगह राजीव चौक पर ही उतर गए, क्योंकि हम लोग को लग रहा था कि टाइम पर हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे. सो अब यहां से हम लोग ऑटो करेंगे और फटाफट से स्टेशन पहुंचेंगे, क्योंकि ट्रेन छूटने का रिस्क हमें नहीं लेना है. बहुत ही ज़्यादा पैक्ड स्केड्यूल है हमारा. सो हमें टाइम पर वहां पर पहुंचना ही पड़ेगा. इसलिए चलिए फटाफट से पहले हम लोग ऑटो वाले से सेटिंग करते हैं. तो इतनी सुबह मैंने पहली बार सीपी देखा है और चारों तरफ इतना सन्नाटा है ना. दुआ करो यार टाइम पे हम लोग पहुँच जाएँ. वी आर जस्ट रशिंग एंड रशिंग वेरी वेरी बैड. और ये है ऑटो वाले से हम लोग सेटिंग कर रहे हैं. पहुँच गए, शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुँच गए. वो ऑटो वाले भैया बहुत ज़्यादा मज़े से वो भगा भगा के लेकर आए. प्लस आज सैटरडे मॉर्निंग थी, तो आज ऑफिस वगैरह का कोई रश नहीं था, इसलिए हम लोग जल्दी पहुंच गए. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हमारी ट्रेन खड़ी है. तो हम लोग जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म 1 पे, और उसके बाद सीट पर बैठ. ये मिल गई, मिल गई, मिल गई. ये हमारी ट्रेन खड़ी है. कितना सही है ना, यहाँ से उठे और यहाँ पहुँच गए. वाह, कितना मज़ा है. तो शुक्र है हमारी स्लीपर कोच है, क्योंकि नींद आँखों में भरी हुई है. अब हम लोग सोएंगे और सीधे फिर आपसे जयपुर में मिलेंगे. तब तक हम लोग थोड़ा चिप्स पानी वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लग रही है. चाय भी पीकर नहीं आए. पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मैं बिना चाय पिए घर से निकल गई हूँ. बट अभी यहाँ से कुछ लेते हैं और खाते पीते हैं और सोते हुए जयपुर पहुँचते हैं. और उसके बाद मैं फिर अब नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी. जयपुर आ गया. ओके, सो वी हैव रीच्ड जयपुर. फाइनली हाँ, लोकेशन वगैरह हमारे पास आ गई है. अब हम लोग बस निकल रहे हैं और थोड़ी देर में मेरा भाई भी यहाँ पर पहुँचने वाला है. सो हम लोग उसका भी वेट कर रहे हैं. फिर हम लोग आपस में टाई अप करके फिर साथ में वहाँ पर जाएंगे. और अरे अभी बाय नहीं है. इनका पार्ट खत्म हो चुका है. तो हाँ, हम लोग अभी चलते हैं और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं रेलवे स्टेशन पर व्लॉग बना रही हूँ गाइज. अब तो मतलब मेरे ऊपर रहम करके सब्सक्राइब कर दो प्लीज़. सो अगला व्लॉग मैं जस्ट अभी से स्टार्ट करूँगी और फिर मैं पूरा इवेंट कवर करूँगी होपफुली. सो या आई थिंक आई शुड लीव नाउ टू मीट अनदर टाइम. अल्लाह हाफिज़. बोलो अल्लाह हाफिज़.